यार। सलाम अलैकुम भाई जान, मेहरबान कदर जान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है? हाँ, ये जो पीछे बैठे हुए ये वार्ड में बैठे हुए हैं। आगे वाला सब बोलते ठीक है, पीछे वाला बोलते नहीं मैं बीमार है। तो भाई जान, बड़ा मसला हो गया मेरे साथ, यकीन करो। इतना बेड़ा गर्क हुआ बड़ा कारोबार का, कोई कारोबार ही नहीं है ये आइसक्रीम। वैसे भाई जान यकीन करो, बड़ा बड़ा मुश्किल हो गया है, इधर गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया भाई जान। इधर जिस मोहल्ले में मैं रहते हैं, तोबा तोबा तोबा, बस दुआएं करो अल्लाह ताला पड़ोस भी अच्छा दे। हमारे नबी पाक ने फरमाया कि आपके घर के चारों तरफ जो 40 घर है वो सब आपका हमसाया है, आपका पड़ोस है। अच्छा पड़ोस मिल जाए तो दुनिया में जन्नत हो जाता है, और पड़ोसी का ख्याल भी करना चाहिए। लेकिन भाई मैं क्या करें, अकेला बंद है और ऊपर से मेरे जो पड़ोसी है, तोबा तोबा तोबा, जब खाना खराब का पुत्र अन्न है उसके सारा दिन अन्न ही पाया हुआ है। और दूसरा कुर्री है, कुर्री मेरा कबाड़ खाने पे मेरा चीज उठाते मेरे सामने आके बैठते, मेरी चीज उठाते मुझे आके कहते हैं, कल मेरे पास है कहते हैं वॉशिंग मशीन बेचने। मैंने बोला यार ये आजकल एक ही तरह का मशीन पूरे मोहल्ले में आया हुआ, इस तरह का तो मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ है। मैंने तो पीछे देखा तो मैंने बोला ये तो वही मशीन है। मुझे कहते हैं भाई जान ये मशीन बेचने, मैंने कहा कितने का दिया, कहते जी ये 700 का दिया। मैं तो खाना खराब तुझे पूरे को अगर मैं 700 दे दूँ तो सारा 700 का नहीं, 700 नहीं है ना तेरा 700 ना मेरा 300, 1000 रुपये में बात मुकाओ बस ठीक है। हर बात पे जिद करता है यार, उसको कुछ भी बोलो बस वो अपना मर्जी करता है। चलो कोई बात नहीं। और वैसे एक बात है, अगर आपके घर में कोई चीन डब्बा पुराना कापी किताब हो हमको दो, आपको उसको पैसे दे। या मेरे मालिक सब डब्बा थे सब की खैर, यकीन करो बाबा, या खुदा पाकर बाबा। हाँ जी सद के जाए बाबा, मैंने ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। कोई सियासी मसला तो नहीं बाबा? क्या है हर वक्त मजाक करते हो, नाराज नहीं होता है? अगर तो कोई कायद आजम साहब वाला बात है तो वो मैं नहीं सुनूंगा। नहीं ना बाबा, बाबा मैंने कहना था कि स्कूल में ना सारी बच्चियां जाती हैं, सब पढ़ती हैं, लेकिन ना कितने अच्छे अच्छे यूनिफॉर्म पहन के जाती हैं, सुबह सुबह प्यारी प्यारी बन के जाती हैं और इतनी अच्छी अच्छी तालीम हासिल करके। बाबा मुझे भी स्कूल में एडमिशन दिला देना। मेरा बात सुनो, जितना तुम्हारा उम्र हो गया है ना, अब तुमको किसी अस्पताल में एडमिशन लेना चाहिए। मेरे साथ बोलेगा खाना खराब, ये बच्चे लोगों को पढ़ा के क्या फायदा होता है यार? तुमने कोई डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, तुमने कोई पायलट बनने, तुमने कोई मतलब छोड़ो, मैं अभी तेरा तो जो तुम्हारा उम्र हो गया ना, मैं तेरे लिए कोई लड़का देख रहा है ठीक है, जिस दिन भी मुझे कोई अच्छा से लड़का मिलेगा मैं तेरा शादा बढ़ाएगा और अपना घरदारी संभालूंगा। शादी कौन बोलते हैं, मैं तो तुमको शादा बोल रहे थे। शादी की कौन बोलते हैं, चले चले ना चले, शादा बहुत बड़ा वो है, सारी जिंदगी चले। बात होती है, इधर से पकड़ो कान, ये इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है ना। मेरा बात सुनो, ये जो पढ़ाई मढ़ाई है यकीन करो मेरा जो कारोबार है ना, सारा दिन में कुछ 200-400 रुपए का काम होता है, इधर 1000 रुपए का फीस होता है, 2000 रुपए तो वो सालाना फंड ले लेता है यार। नहीं ना बाबा मुझे नहीं पता, हमारे पड़ोस में जो स्कूल है देखो कहां फीस है इतनी ज्यादा, मुझे नहीं पता। सब बच्चियां जब सुबह सुबह तैयार होकर जाती है मेरा भी दिल करता है। सब बच्चा तैयार होकर जाता है, ये तो बगैर तैयारी के कर रहे हैं। देखो ये घर में होते वो भी इसकी जगह से काम किया हुआ है, इसको वोट दिया तो ऐसे लगता है जैसे समोसे पर चटनी पड़ रहा है। ये अच्छा बात नहीं है, ये अभी तुम्हारा उम्र नहीं है, जब थोड़ा बंदा बड़ा हो जाता है शादा मारा हो जाता है। बाबा सारा दिन घर में अकेले बैठ के क्या क्या करूं, अकेले अच्छा अकेले ये लिपस्टिक लगाने से तू अकेलापन दूर हो जाता है, खाना खाने अजीब बन जाता है। अच्छा चलो ये पढ़ाई मेरे अगर हर बच्ची का जेन ये हो जाए यकीन करो बाप का बड़ा बचत हो जाता है। खाना पीना छोड़ेगा तो ठीक है,
वो आटा 10 दिन चलता है, वो इंशाल्लाह 15 दिन चलता है। बाबा कैसे आगे बच्चे मतलब आपको करने ही पड़ेगा कि आप भी एक है तो मेरी बेटी कुछ भी नहीं पाएगी। मैं तो ठीक है, नहीं कहूँ ना अपना मर्जी करूँ बस ठीक है। मैं तो मेरा देखो मेरा बात सुनो, तुम इस तरह करो, तुम घर का काम शाम सही तरीके से करो, इंशाल्लाह जिस दिन मुझे तुम्हारे जैसा कुछ छोटा सा लड़का मिलेगा फिर आप इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह जन्नत से भी आगे इसकी वालदा को लेके जाएंगे, यकीन कर वो भी है। तो बस समझ में नहीं आ रहा है, एक ये बैठी ऐसे ऊपर से मेरा पड़ोसी ऐसे, मैं तो बस अजाब में पड़ गया यार।